और अजीत पवार जी को क्या बोलूं, यहाँ फालतूगिरी लगती है उसको। अरे अजीत पवार विरोधी पक्ष के नेता है और उप मुख्यमंत्री रह चुके अजीत पवार, उनको मेरा इतना ही कहना है, अयोध्या यात्रा जो है, ये अयोध्या जो है, राम मंदिर जो है, लाखों करोड़ों हिंदुओं और राम भक्तों की अस्मिता है, ये श्रद्धा है, उसको अगर आप फालतूगिरी कहते हो तो ये राम भक्त आपको बराबर जगह दिखाएंगे। अरे भैया उसका 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 जन्म जब नहीं हुआ था तब से मैं काम कर रहा हूँ, उसके बारे में क्या बोलूँ मैं, और अजीत पवार जी को क्या बोलूँ, यहाँ फालतूगिरी लगती है उसको। अरे अजीत पवार विरोधी पक्ष के नेता है और उप मुख्यमंत्री रह चुके अजीत पवार, उनको मेरा इतना ही कहना है, अयोध्या यात्रा जो है, ये अयोध्या जो है, राम मंदिर जो है, लाखों करोड़ों हिंदुओं और राम भक्तों की अस्मिता है, ये श्रद्धा है, उसको अगर आप फालतूगिरी कहते हो तो ये राम भक्त आपको बराबर जगह दिखाएंगे। धनुष बाण प्रभु रामचंद्र की जी के आशीर्वाद से मिला है, बाबा साहेब ठाकरे जी के आशीर्वाद से मिला है, तमाम जनता के आशीर्वाद से मिला है। हम महाराष्ट्र में समर्पित भाव से हमारे आखिरी सांस तक ये हम महाराष्ट्र की जनता की सेवा करेंगे। एक 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 जन पूछो, अरे भैया उत्तर भारतीय और महाराष्ट्र अभी अलग नहीं है, वो हमारे साथ में खड़े हैं, पूरे खंडे से खंडा मिलाकर। सुनिए एक मिनट, एक एक मिनट जवाब तो सुन लीजिए। अभी जो वहाँ पर जो उत्तर भारतीय रहते हैं, जो जो महाराष्ट्र मराठी लोगों को जो सहूलियत मिलती है, वो जो कई सालों से वहाँ उत्तर भारतीय भी रहते हैं, सभी समाज के रहते हैं, वो सब हमारे मुंबई वासी हो गए, महाराष्ट्र वासी हो गए, उनको वो सब मिल रहा है। महाराष्ट्र भवन के लिए जगह देने का देने की बात हमने विनंती की है इस राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, और उन्होंने सकारात्मक भूमिका ली हुई है और यहाँ जरूर महाराष्ट्र भवन बड़ा बन जाएगा। और ये भी कहूँगा कि हिंदू हृदय सम्राट बाबा साहेब ठाकरे महाराष्ट्र भवन ऐसा बन जाएगा।